दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा कमाल का वॉलपेपर दिखाऊंगा जिसे देखकर आप अचंभित रह जाओगे। और दोस्तों अगर आप इसे अपने फ़ोन में सेट कर लेते हो तो जो भी देखेगा देखता ही रह जाएगा। और ये आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई तूने इसे डाउनलोड कहाँ से किया। तो दोस्तों इसके कई सारे और भी फीचर्स हैं जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाया था पैटर्न जो दिया हुआ है पहला नंबर पर, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो काफ़ी सारे पैटर्न यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। तो आप यहाँ से कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैं ये वाला कर लेता हूँ तो देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है ये। और यहाँ दूसरे नंबर पर है सेप्स, तो यहाँ पर आपको सेप मिल जाता है। जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ तो ये देख सकते हो यह सर्कुलर दिया हुआ है, देख सकते हो किस तरीके का दिख रहा है। और दोस्तों यह कलर, तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, अब जो कलर चाहो वो सेट कर सकते हो यहाँ से, तो देख सकते हो। और यहाँ पर सेकेंड कलर, तो इसे भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो जो भी चाहो। और दोस्तों ये रहा यहाँ पर सेटिंग इसकी जो कि मेन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे आप इसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो देख सकते हो कितना स्पीड से भाग रहा है ये। और दोस्तों इस तरीके से आप इसकी स्पीड कम कर सकते हो, यहाँ से उल्टा भी कर सकते हो तो ये उल्टे डायरेक्शन भागने लगता है, देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको बदल लेता हूँ, पहले यहाँ से आप पैटर्न में जाओ और यहाँ से कलर वाला भी कर सकते हो, देख सकते हो HD पैटर्न दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हो। मैं ये वाला ले लेता हूँ, देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है ये। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसकी स्पीड कम कर दोगे, बिल्कुल जीरो कर दो और यहाँ से इनेबल जो सेंसर दिया है उस पर टिक लगा दो, और इसके कैमरा जो फील्ड व्यू है इसको थोड़ा कम कर दो, तो अब देखो आप कितना अमेजिंग लग रहा है, देख सकते हो। मैं जैसे जैसे अपना फ़ोन हिलाऊंगा उस तरीके से ये दिखेगा। तो यहाँ से इसका आप पैटर्न और भी बदल सकते हो, ये वाला पैटर्न देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर सेट कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो, देख सकते हो कितना अमेजिंग है ये। और यहाँ से इसका आप शेप भी चेंज कर सकते हो, बिल्कुल 3D है, देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और इसको सेट करने के लिए आपको ऊपर जो 3 लाइन दिखेगी इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ से गो टू वाल पेपर्स, और ये ऊपर देख सकते हो सेट वाल पेपर, इस पर क्लिक कर दो। तो अब आपको जहाँ भी करना हो कर सकते हो, मैं होम स्क्रीन पर कर देता हूँ। अब मैं आपको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो दोस्तों सेट हो चुका है, कितना अमेजिंग लग रहा है। इस तरीके से फ़ोन हिलाने पर ये ऐसा दिखता है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको जो एनिमेशन था वही सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको सेटिंग में जाना होगा और इसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा देना होगा जैसा भी आप चाहो। तो अब बढ़ाने के बाद आपको इसको सेट कर देना होगा। तो सेट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जैसे तो सेट हो चुका है और ये ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ये मैंने सेंसर ऑन कर रखा है तो इसलिए ये फ़ोन हिलाने पर ऐसा हो रहा है। आप चाहो तो सेंसर बंद भी कर सकते हो, यहाँ से जाओ और ये जो सेटिंग है नीचे यहाँ से इनेबल सेंसर बंद कर दो, देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा जो कि देखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है और बहुत ही बेस्ट वॉलपेपर लगेगा आपको। तो एक बार इसको आप ट्राई जरूर करके देख लेना, बहुत ही बढ़िया है। तो देख सकते हो दोस्तों किस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल 3D दिखता है, ऐसा लग रहा है फ़ोन के अंदर आप घुस सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप इसे डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में चले जाना होगा और वहाँ पर एक अच्छा सा कमेंट कर दें। उसके बाद मैंने एक कमेंट पिन कर रखा है, तो जो सबसे पहला कमेंट आपको दिखेगा उसका लिंक जो है आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। तो बस दोस्तों आपको इस वीडियो में यही बताना था, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।